भारत अपनी आज़ादी के 73 साल पूरे करने जा रहा है और अंक ज्योतिष के रूप से इसका मतलब है कि भारत का जन्म 73 साल पहले हुआ था। अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का वार्षिक नंबर होगा 9 और इसके स्वामी है मंगल। अंक 9 साल के काल चक्र के अंत को दर्शाता है। इसका मतलब है कि पिछले 8 वर्षों में जो भी रुझान रहे हैं वह अब धीरे धीरे समाप्त होने जा रहे हैं और इस साल में हो सकता है कि कुछ नए की शुरुआत हो जाए। आमतौर पर काल चक्र का अंत बहुत सुखद नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज का अंत जो हमको बहुत प्रिय है वह पीड़ादायक होता है। परंतु इसके ठीक विपरीत, इस दौरान अगर आप कुछ सुखद महसूस नहीं कर रहे हैं या आपको परेशानियां रही हैं, तो इस समय का अंत आपके लिए नई आशाएं और राहत की भावना लाता है। आइए देखते हैं कि हम इन नंबरों पर कैसे पहुंचे। 2020 को अगर जमा किया जाए तो अंत में आता है 4 और इसका स्वामी है राहु। जब भारत की जन्म तिथि यानी कि 15 को जमा किया जाए तो अंक आता है 6, जिसका स्वामी होता है वीनस यानी कि शुक्र। और अगर भारत की पूरी जन्म तिथि यानी कि 15 अगस्त 1947 का योग किया जाए तो हमें मिलेगा 8। इसका मतलब है कि इसका स्वामी होता है सैटर्न यानी कि शनि। और इस वर्ष भारत का नंबर है 9, जिसका स्वामी है मार्स यानी कि मंगल। तो आइए इन सभी अंकों को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि भारत में निकट भविष्य में होने वाली कौन कौन सी संभावनाएं हैं। सामाजिक, अर्थव्यवस्था और इसका विकास, तकनीकी क्षेत्र में प्रगति, सैन्य बल, पड़ोसी देशों के साथ संबंध आदि के संबंध में कौन से संभावित बदलाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समाज और देश की। नंबर 4 का अपना ही एक अलग चरित्र होता है। जिन लोगों के व्यक्तित्व में नंबर 4 प्रमुख अंक होता है, वे हर परिस्थिति को एक विपरीत दृष्टिकोण से देखते हैं। वैसे तो ये बहुत समझदार होते हैं। इस प्रकार के लोगों के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी यही अनुमान लगा सकते हैं कि वे प्रशासन के काम करने और योजनाओं के विपरीत क्या सोच रहे हैं। हालांकि इसका मतलब कोई लड़ाई या वाद विवाद से नहीं है, लेकिन इसके ठीक विपरीत लोग स्थापित मापदंडों या प्रणालियों, नियमों और विनियमों के खिलाफ गुप्त रूप से काम करते हैं। इसलिए कुछ निडर लोगों का सामने आना संभव है जो स्थापित चीजों के क्रम को एक अलग दृष्टिकोण से विरोध कर सकते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की आमतौर पर बहुत सफल होने की संभावना कम रहती है। चूंकि भारत में 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण था, जो कि भारत की कुंडली के 8वें भाव में घटित हुआ था, जहां सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि को राहु और केतु ने अपनी छाया में ले रखा था, इससे हम आने वाले समय में कई अनिश्चितताओं का अनुभव करने की संभावना है और कुछ पुराने नियमों को बदलते हुए भी देखा जा सकता है। उनके स्थान पर नए नियम और कानून या उपनियम भी देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रगति की। नंबर 4 टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की तरफ भी संकेत करता है, इसलिए आने वाले समय में भारत को टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एविएशन सेक्टर यानी कि हवाई जहाज से संबंधित, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बिजली के उत्पादन आदि क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करते हुए देख सकते हैं हम। इसी तरह से अब बात करते हैं तकनीकी क्षेत्र में प्रगति। इसके अलावा हम भारत को नए युग की टेक्नोलॉजीज में आगे जाते हुए देख सकते हैं। इस दौरान कुछ नए आविष्कार या नवीनतम तकनीक को अपनाना लगभग तय होगा। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत कुछ शानदार काम कर सकता है और दुनिया को आश्चर्यचकित भी कर सकता है। महत्वपूर्ण बदलाव, चूंकि शुक्र और मंगल भी भाग्य संख्या और वर्तमान वर्ष पर शासन कर रहे हैं, साथ ही शनि और बृहस्पति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इसलिए कई प्रकार की घटनाओं की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। जैसे कि इस दौरान लोग शादी और प्यार को देखने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं। दुश्मन देशों के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
हमारी आर्म फोर्सेस को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। लोगों और साथ ही संगठनों को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बड़ी ही कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। न्यायपालिका प्रणाली और कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन या सुधार देखने को मिल सकते हैं। कुछ नए और महत्वपूर्ण नियम, रेगुलेशंस, कानून आदि भी देखने को मिल सकते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के विद्यार्थी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस विषय के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है और इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। हम आगे भी बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निशान को भी क्लिक करें। आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना उपयोगी समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।